उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि अंधविश्वास में हो रही हत्या को लेकर राज्य में गुमला जिला की स्थिति ठीक नहीं है। जिले में चुनाव के बाद इस दिशा में कार्य किया जाएगा और लोगों को हर संभव जागरूक किया जाएगा। वे शनिवार को समाहरणालय भवन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त बातें कही। उपायुक्त ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के विकास व नए कार्य को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नेटवर्किंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मोबाइल टावर की स्थापना की जाएगी, जिसे क्षेत्र का हर दृष्टिकोण से विकास संभव हो पाएगा। एक हाल के दिनों में इसी महीना में बहुत शर्मनाक घटना घटी थी हमारे गुमला जिले में। उन्होंने उस घटना ने हमें पुनः इस चीज को बताया है कि हम लोगों की जागरूकता अभियान जो है ये सतत होती रहनी चाहिए। कितनी भी हो जाए वो हमेशा कम ही रह जाती है और इस पर हम लोग लगातार अपना अभियान बनाए रखेंगे। तो इस चुनाव के बाद हम लोग फिर प्रत्येक टीम मेंबर, चाहे समाज कल्याण हो, पुलिस विभाग हो, राजस्व कर्मचारी वगैरह हमारे राजस्व की टीम हो, शिक्षा विभाग हो, इनके माध्यम से बच्चों को भी जोड़ते हैं। टाइम सतत जो है ये समस्या जो है ये बनी रहे। ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं सबकी डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है। हर चीज समय के साथ कभी ना कभी उसमें खराबी होगी, मरम्मति करानी होगी, उसमें अपनी समस्याएं होंगी। लोगों को भी बार बार ट्रेनिंग दिया जा रहा है सखी मंडल के माध्यम से, या लोगों को अलग प्लम्बिंग वगैरह के पैनल से, ताकि माइनर रिपेयर को खुद से कर सकें। ये भी बोला जाता है कि जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है BWSC के माध्यम से, आप लोग अपनी राशि को इकट्ठा करके उसको ठीक आप करा सकें। तो ये कुछ जगह पर हमें जो हमारे ही जो उसके लाभों के जनता है वो अपनी जिम्मेवारी से उतना नहीं इससे अटैच हो पा रहे हैं। वो अभी सिर्फ लाभुक वाले मोड में है। द मोमेंट वो इसके अपने हिस्सेदार हो जाएंगे, जिस दिन जन भागीदारी वाली रोल शुरू हो जाएगी, हमें लगता है कि 70-80% समस्याओं का हम लोग स्वतः निदान ढूंढ लेंगे। लेकिन जो क्रिटिकल समस्याएं हैं उन जगह पर देखना होगा। जैसे पार्क क्षेत्र अगर हम लोग कहें, वहाँ पानी की हमेशा समस्या है। कुछ हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पर संस्थागत हमारे भवन हैं, उन सभी को हम लोग प्राथमिकता पर कर रहे हैं। कहीं और भी अन्य जगहों से कंप्लेन आते हैं, हम लोग उन सबको एक प्रायोरिटी पर देख रहे हैं कि कितनी जल्दी उसका समाधान कर सकते हैं। इलेक्शन का टाइम है, सभी तरह के स्कूल आंगनबाड़ी वगैरह कभी हम लोग सर्वे कराकर जितने जगह क्लस्टर पॉइंट्स में करा सकते हैं उनको चिन्हित करके हम लोग ठीक करा रहे हैं। कुछ जलापूर्ति वगैरह से संबंधित बड़ी योजनाएं हैं उसको भी हम लोग करा रहे हैं। हालांकि मेरा अंतिम यही निवेदन अपने गुमला वासियों से रहेगा कि आप अपने स्तर से भी छोटी छोटी समस्याओं को खुद भी अपने यहाँ से फंड कलेक्ट करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये आपकी संपत्ति है, आप ही को इसको देखना है। सरकार अपने स्तर से जितनी हो सके कोशिश करती रहेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।